कैसे हैं आप लोग सब। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज का जो हमारा सेशन है उस सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फटाफट देखते हैं फिजिक्स में आज कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। और फेलियर डजंट मीन दैट द गेम इज ओवर, इट मीन्स ट्राई अगेन विद एक्सपीरियंस, है ना। कितनी खूबसूरत बात यहाँ पर लिखी है। सुबह सुबह का टाइम है ना। और इस ऐसी बात अगर मोटिवेट कर दे हमें तो बात ही क्या होगी, है ना। तो ये गेम है फिजिक्स का, और फिजिक्स का जो गेम खेला जाता है वो दिमाग से खेलेंगे हम लोग। तो बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल का आज कलेक्शन रहने वाला है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग आपको करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ को एक बार चेक कर लो भाई। ठीक है, आवाज़ आ रही होगी, मेरी आवाज़ सही है? नो वॉइस, अभी चेक करते हैं, अभी चेक करते हैं, रुक जाओ। हेलो, आवाज देखिए किस किस को साउंड में दिक्कत आ रही है। बेटा जय हिंद, जय हिंद। वॉल्यूम तेज बोलें, तेज बोलें। चेक करना है एक बार। अब आवाज सही है मेरी, क्लियर है? चलो तेज बोले हैं, ठीक है, तेज बोल दिया। तो पहला ही सवाल स्क्रीन पर आप सबके सामने आ चुका है, और आज का पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है। और क्या पूछा गया है आपसे, देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के यूज के बारे में पूछा गया है। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर यूज्ड बाय कॉमन टीवी रिमोट्स कंट्रोल, आम टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा निम्न में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है। तो जल्दी से बताइए कौन सी तरंग का इस्तेमाल किया जाता है भाई। रेडियो वेव का इस्तेमाल किया जाता है, लेजर का इस्तेमाल किया जाता है, या इंफ्रारेड का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर अगला ऑप्शन आपका अल्ट्रासोनिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, फटाफट बताइए क्या जवाब। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए रिमोट के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं आपको दिखाऊंगा। देखो जैसे ये मेरे पास एक रिमोट है, अभी अगर मैं इसके किसी भी बटन को प्रेस करता हूं, इसके किसी भी बटन को प्रेस करूंगा तो मुझे नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं जो है आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करूँ कैमरा में, तो देखिए एक लाइट सी जलती हुई नजर आएगी आपको, रेड रेड कलर की, ये देखिए। तो अगर आपके घर में टीवी रिमोट है और आपको चेक करना है कि मेरा रिमोट चल रहा है या नहीं है, और टीवी मतलब वो रिमोट ठीक है नहीं है, तो रिमोट क्या करता है, इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त जो तरंगे हैं, इंफ्रारेड वेव जो है इमिट करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका, क्वेश्चन नंबर वन का आंसर आने वाला है इंफ्रारेड यानी के अवरक्त, ठीक है। क्या आंसर आएगा? अवरक्त। रेडियो वेव नहीं बेटे, रेडियो वेव नहीं। क्या आंसर आएगा इसका? इंफ्रारेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू। देखिए फटाफट क्या है क्वेश्चन नंबर टू, क्या है सर? वन शॉट लाएं, बिल्कुल वन शॉट लेके आएंगे। अगला सवाल आपके पास स्क्रीन पर क्या है, और मैं आज बहुत अच्छी चीज भी बताने वाला हूं, जल्दी से ये क्वेश्चन खत्म करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो जल्दी से मुझे बताइए कि भाई इनमें से सही कौन नहीं है, सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या है, फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है। पहला ऑप्शन है कि इन हाउस होल्ड सर्किट, पहला ऑप्शन है इन हाउस होल्ड सर्किट ऑल अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि एक घरेलू सर्किट में सभी उपकरण समानांतर में कनेक्ट हुए होते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। फ्यूज वायर हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि फ्यूज वायर में कम गलनांक होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है,
ये बात भी गलत नहीं है। अगला है फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्ट टू न्यूट्रल वायर, कि फ्यूज हमेशा जो है फ्यूज हमेशा न्यूट्रल वायर से कनेक्ट होता है, ठीक है। और अगला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मेजर्ड इन किलोवाट आवर, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, इस क्वेश्चन का जवाब होगा आपका ये हमें ढूंढना था गलत, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है क्या है, ये सत्य नहीं है। ये ऑप्शन क्या है, सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। लिख देते हैं यहां पर कि ये सत्य नहीं है। तो आप बोलोगे फिर सर सही बात क्या है, सही बात यह है कि फ्यूज हमेशा कहां कनेक्ट होता है, लाइव वायर यानी कि आपका आवेशित जो तार होती है उससे कनेक्ट होता है। तो हमें ढूंढना था कि कौन सी बात सत्य नहीं है, तो ये जो आपका सी ऑप्शन आप देख रहे हैं ना यहां पर, ये वाली बात पूरी तरह से गलत साबित होती नजर आ रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलो। अकॉर्डिंग टू लाप्लास, भाई लाप्लास एक वैज्ञानिक हुए, ठीक है, लाप्लास के अनुसार प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन अ मीडियम इज, जल्दी से बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। लाप्लास के अनुसार कह रहा है कि भाई लाप्लास थे एक वैज्ञानिक, उनके अनुसार आपको बताना है, ठीक है, मेन वायर नहीं, ठीक है प्रताप सिंह जी, मेन वायर नहीं बोलते उसे, उसे बोलते बेटे लाइव वायर, ठीक है, लाइव वायर ही बोलना उसे, मेन वायर नहीं बोलना, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे आप, लाइव वायर बोलेंगे, लाइव वायर। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन का जवाब आपने ढूंढी लिया है। देखिए दो साइंटिस्ट ने अपनी दोनों अलग अलग बात कही, एक थे न्यूटन, ठीक है, एक थे न्यूटन, ठीक है, न्यूटन, और न्यूटन के बाद कौन आए, न्यूटन के बाद आए लाप्लास, ठीक है, न्यूटन के बाद कौन आए, लाप्लास आए। अब न्यूटन क्या कह के गए, न्यूटन ने यह कहा कि जो साउंड वेव का प्रोपेगेशन है यानी कि ध्वनि तरंगों का जो संचरण है, साउंड वेव का जो प्रोपेगेशन है वो एक कैसी प्रक्रिया है, उनके अनुसार ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है प्यारे बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। उन्होंने कहा कि जब ध्वनि किसी माध्यम में जाती है तो वहां पर संपीड़न और विरलन बनता है, यानी कि कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। तो कंप्रेशन वाली जगह पे तापमान बढ़ जाता है और रेयर फ्रैक्शन वाली यानी कि विरलन वाली जगह पे तापमान घट जाता है, तो ये एनर्जी इधर चली जाती है यानी कि तापमान नियत रहता है। ऐसा किसने कहा, न्यूटन ने कहा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूटन के अनुसार ध्वनि तरंगों का जो संचरण है वह एक कैसी प्रक्रिया है, एक समतापीय प्रक्रिया है यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। लेकिन लाप्लास ने इस बात को करेक्ट किया, क्या कहा लाप्लास ने, कहा भाई न्यूटन तुम सही नहीं कह रहे हो, है ना, क्यों, क्यों, उन्होंने कहा कि ध्वनि तरंगे इतनी फास्ट ट्रेवल करती हैं लगभग 330 मीटर पर सेकेंड, तो जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होता है वो बहुत तेजी से बनते हैं, है ना, वो बहुत तेजी से बनते हैं, तो इसलिए इसलिए जो है वहां पर एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो पाता, यानी कि साउंड वेव का प्रोपेगेशन लाप्लास के अनुसार साउंड वेव का प्रोपेगेशन कैसा है, एक एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो आंसर क्या आएगा, एक रुदोष्म घटना है यानी कि एडियाबैटिक है। और अगर न्यूटन पूछते, ठीक है, अगर न्यूटन पूछते, ठीक है, तो न्यूटन अगर यहां लाप्लास की जगह न्यूटन लिखा होता तो आंसर क्या जाता आपका, आइसोथर्मल आंसर आता। तो जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में क्या ये बात आप बिल्कुल क्लियर समझ गए हैं या नहीं समझे, जल्दी बताओ भाई कमेंट करके, ठीक है, स्पीड अप करो भाई, स्पीड अप करेंगे भाई, ठीक है भाई स्पीड अप करेंगे, ठीक है, लेकिन समझते समझते तो चलो आप क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो। लो भाई स्पीड में चल देते हैं भाई, आप भैया आप कह रहे हैं कि स्पीड में चलिए, स्पीड से चल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिए स्क्रीन पर क्या है, बोला है द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यूरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज डिटरमाइंड बाय, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दौरान प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की दिशा क्वेश्चन मार्क द्वारा निर्धारित की जाती है। तो कौन सा ऐसा नियम है जिससे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दौरान
प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा का निर्धारण करते हैं। तो जल्दी से बताइए कौन सा नियम है, ठीक है, जल्दी से बताइए फटाफट फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। इसका आंसर आएगा क्या आपका, लेंज का नियम। जी हाँ, लेंज ने क्या कहा था, लेंज ने कहा था कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है या प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे कि उनकी उत्पत्ति हुई हो, ठीक है, ऑलवेज अपोजेस द कॉज फ्रॉम विच दे गेट प्रोड्यूस। अब यानी कि इंड्यूस करंट कहां से जनरेट होती है भाई, उसका प्रोडक्शन का कारण क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स जितना ज्यादा चेंज होगा यानी कि इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा, उसको अपोज करता है, उसका विरोध करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया चार का आंसर आ गया आपका बी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर पांच। क्वेश्चन नंबर पांच भी मजेदार है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर पांच भी मजेदार है। क्या मजेदार क्वेश्चन पूछ लिया, देखो जरा क्या बोला, विच वन ऑफ अमंग द फॉलोइंग ट्रांजिशन इज एसोसिएटेड विद द लार्जेस्ट चेंज इन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा के सबसे बड़े परिवर्तन से जुड़ा है। तो आपको बताना है कि जो हाइड्रोजन एटम है उसके अंदर सबसे बड़ा जो आपका गैप है वो गैप किसके लिए सबसे ज्यादा, ये बताना है आपको। तो चलिए मैं आपकी मदद कर देता हूं यहां पर, ठीक है, मदद कर देता हूं कि जो भाई फॉर्मूला होता है वो होता है En इज इक्वल -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम पहले वाले की बात करते हैं, E1 की बात करते हैं, तो बाई एन का स्क्वायर भी होता है, यहां पर छोड़ दिया मैंने, सॉरी, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं पहले वाले की बात करूंगा फर्स्ट लेवल की, तो ये आएगा 13.6। अगर मैं सेकंड लेवल की बात करूंगा तो नीचे दो दूनी चार आ जाएगा, ठीक है, तो ये होगा आपका 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं तीसरे की बात करता हूँ E3 की, तो नीचे कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है, तो 9 कम 9 ये आ जाएगा आपका माइनस का 1.8185 के करीबन आएगा, ठीक है। और E4 कितना आ जाएगा आपका, फिर मैं यहाँ पर रखूंगा तो ये आएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सबसे बड़ा अंतर जो है किसके बीच में है, पहले और दूसरे के बीच में सबसे बड़ा अंतर आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे बड़ा अंतर किस किसके बीच में, पहले के और दूसरे के बीच में होता है, कितने का, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, कितना, ठीक है, ये 10 पॉइंट, ये 81 आएगा यहां पर, ठीक है, 81, ठीक है। तो 10 पॉइंट कितना आपका, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अंतर आएगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ चुका है, क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है, ये आंसर आएगा आपका बी, बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर छह बताओ फटाफट, छठे सवाल पर आएंगे। छठा सवाल आपसे क्या कहता है, बड़ा प्यारा बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन, क्या बोला, बोला गया कि व्हेन एन एल्फा पार्टिकल कैप्चर एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स, कह रहा है कि जब एक एल्फा कण एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेता है तो यह क्या बन जाएगा, जल्दी से बताओ भाई। अगर एक एल्फा पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर ले तो वो क्या बन जाएगा, जल्दी से आंसर बताइए, ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए। फॉर्मूला रिपीट कर दें तो वो पिछले वाला फॉर्मूला था, En इज इक्वल टू -13.6 बाई एन स्क्वायर, ठीक है। अब ये बताइए जरा इसका आंसर क्या आएगा भाई, अगर हम बात करते हैं किसकी, अल्फा पार्टिकल की, किसकी बात करते हैं हम लोग, अल्फा पार्टिकल की बात करते हैं, अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है अल्फा कण की बात करते हैं। तो अल्फा कण क्या है, HE++, यानी कि जो हीलियम आपका एटम है अगर उससे दोनों इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल लो तो क्या बन जाएगा, HE++ बन जाएगा। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया तो क्या हो जाएगा, HE+। HE+ को क्या बोलेंगे, हीलियम आयन बोलेंगे। HE+ को क्या बोलेंगे हम लोग, हीलियम आयन बोलेंगे। जल्दी से बताओ, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ गया, एक इलेक्ट्रॉन पकड़ा तो एक पॉजिटिव क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हीलियम आयन। हीलियम एटम कब बनेगा ये बताओ जल्दी से, हीलियम एटम कब बनेगा, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन को पकड़ ले तो ये वाला यहां से चार्ज खत्म हो जाएगा, तब आंसर आता है आपका सी, हीलियम एटम, ठीक है, क्लियर हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सात देखिए क्या है, सेवेंथ क्वेश्चन में बड़ा प्यारा सा जो है कॉन्सेप्ट है
और बताइए ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो जल्दी से आप देखिएगा, क्वेश्चन बोला है एन ईएमएफ ऑफ 5 वोल्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सेल्फ इंडक्टेंस व्हेन द करंट चेंजेस एट स्टेडी रेट फ्रॉम 3 एम्पियर टू 2 एम्पियर इन 1 मिली सेकेंड। द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज 5 वोल्ट का एक विद्युत वाहक बल स्वप्रेरण द्वारा उत्पादित किया जाता है जब 1 मिली सेकेंड में 3 एम्पियर से 2 एम्पियर तक एक स्थिर दर पर विद्युत प्रवाह बदलता है, तो स्वप्रेरण गुणांक कितना होगा? तो यहां पर फैराडे का नियम लगेंगे, ठीक है? फैराडे का नियम लगाएंगे आप यहां पर। क्या नियम लगाएंगे आप? फैराडे का नियम। क्या नियम है बताओ जल्दी से। ई बराबर माइनस एल डेल्टा आई डी आई बाई डी टी। ये फॉर्मूला याद रखिएगा सब लोग, ठीक है? अभी आपका सवाल हो सकता है कि सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है? इस फॉर्मूले का ओरिजिन क्या है, मतलब कैसे हम इसको याद कर सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, फेराडे का ये वाला नियम तो सभी को याद है, डी फाई बाई डी टी, और ये भी सबको याद है कि फाइ इज इक्वल्स टू एल आई होता है। अगर याद नहीं है तो याद रखो, फाइ इज इक्वल्स टू एल आई, यहां सब्सिट्यूट कर दो, ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी, और फाइ की जगह पर एल आई यहां पर जो है पुट कर दो, एल बाहर आ जाएगा, एल बाहर आ जाएगा, सो ई इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा। अब ई की वैल्यू कितनी दी रखी है? ई की वैल्यू है आपकी 5 वोल्ट है, ठीक है? और एल आपको बताना है, डी आई का मतलब है चेंज इन करंट, तो करंट कहां से कहां तक चेंज हुई? 3 एम्पियर से 2 एम्पियर। तो चेंज कितना हुआ? फाइनल हुआ आपका 2, पहला था आपका 3, और बटे टाइम कितना है आपका? 1 मिली सेकेंड। तो मिली का मतलब 10 की पावर -3 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 5 × 10⁻³, और यहां बचेगा -L × -1। सो L की वैल्यू कितनी आ रही है? L की वैल्यू आ रही है 5 × 10⁻³, यानी कि इसको बोलेंगे 5 मिली हेनरी। क्या बोलेंगे इसको? 5 मिली हेनरी, ठीक है? तो क्वेश्चन छोटा है, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? छोटा है। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? ये जल्दी से बताओ, 5 मिली हेनरी सबका आंसर आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो क्या हो रहा है? सी आ रहा है। नेवी का पेपर है, बिल्कुल नेवी के पेपर के लिए करेंगे बच्चा, चिंता मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, दिमाग लगाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 मजेदार है, क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा ही मजेदार है। तो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 8 को करो, स्क्रीन पर मैंने तुम्हें जो है छोड़ दिया है, बताओ जल्दी से। फॉर्मूले जितने भी मैं बता रहा हूं सबको याद रखना आप, क्योंकि फॉर्मूले अगर याद नहीं हुए तो फिर एग्जाम में गड़बड़ हो सकती है आपके साथ। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को करो, पहले कोशिश करो, नहीं हो रहा है तो फिर मैं बताता हूं, नहीं हो रहा है तो फिर हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे करना है। चलो आ जाऊं। यस सर, 5 मिली हेनरी। आ जाऊं, तुमने कोशिश कर लिया? चलो कोशिश करने के बाद अगर नहीं हुआ तो मैं बताता हूं। कह रहा है कि एक टोटी से यानी कि टैप से टैप सप्लाइज वाटर एट 22 डिग्री सेल्सियस, वो 22 डिग्री पर जो है पानी सप्लाई करता है। अ मैन टेक्स 1 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट, एक आदमी 1 मिनट में 37 डिग्री सेल्सियस पर पानी प्राप्त करता है, कहां से? गीजर से, ठीक है? तो कह रहा है कि पावर ऑफ गीजर इज, तो गीजर की पावर बताइए, कितने वॉट का गीजर लगा हुआ है? एक नल 22 डिग्री सेल्सियस पर पानी की आपूर्ति करता है, एक आदमी गीजर से 37 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर पानी प्राप्त करता है प्रति मिनट, ठीक है? तो गीजर की शक्ति कितनी होगी, उसकी पावर कितनी होगी? भाई सबसे पहले हमें देखना होगा, ठीक है, 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं, 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं। मैं समझा नहीं 5 से 8 का क्या मतलब है आपका। देखो अब ध्यान से समझो, सबसे पहले हम निकालेंगे क्यू, ठीक है? यानी कि गीजर ने जो पानी गर्म किया तो पानी गर्म करने में कितनी एनर्जी खर्च हुई, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है? Q
क्यू इज इक्वल टू होता है एम सी डेल्टा टी, ये फॉर्मूला लगेगा यहां पर क्योंकि तापमान बदल रहा है, क्या बदल रहा है तापमान। तो क्यू और एम कितना है भाई, एक लीटर पानी है, तो एक लीटर पानी लगभग कितना, एक किलो पानी, तो एक हो गया। पानी का स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ऊष्मा धारिता कितनी होती है पानी की, 4200, याद रखेंगे ये फॉर्मूला, याद रखेंगे एम सी डेल्टा टी, एम क्या है द्रव्यमान मास, तो एक लीटर पानी लगभग कितना, एक किलो हो गया, ठीक है। और आपका सी कितना हुआ, सी यानी कि 4200 हो गया। अब डेल्टा टी का मतलब है तापमान में परिवर्तन, तो 37 डिग्री का उसको मिला और पानी था कितना, टोंटी से पानी कितना डिग्री निकल रहा है, 22 डिग्री निकल रहा है, ये आ गया। तो यानी कि इसको गुणा भाग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4200 और गुणा, सात में से दो गया बचा पांच और तीन में से दो गया एक, तो इतना जूल तो आपको क्या मिलेगा, एनर्जी जो है खर्च हो गई। अब बताना क्या है आपको, शक्ति बतानी है, शक्ति यानी कि पावर बताना है। तो P इज इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, P इज इक्वल टू होता है W बटे T, ये पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो वैल्यू रख दो यहां पर फटाफट, वैल्यू रख दो यहां पर कितना, ये हो जाएगा आपका 4200 और गुणा गया 15 और बटे, एक मिनट का टाइम है, कितने मिनट का टाइम है, एक मिनट का टाइम है, तो एक मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, तो जीरो से जीरो कटा, 6 × 7 = 42, 70 और 70 गुणा गया 15 और 15 × 7 = 105 और एक जीरो, तो आंसर आएगा 1050, आंसर क्या आएगा आपका 1050 आंसर आ गया, 525 नहीं आएगा बेटे, गुणा भाग सही करो सब लोग अपनी, सब लोग अपनी गुणा भाग सही करो। देखो भाई यहां पर क्या बचेगा आपका, 70 बचेगा और 70 की गुणा किससे करो, 15 से करो, ठीक है। तो आसान आसान क्वेश्चन है, 60 सेकंड, हाँ एक मिनट में 60 सेकंड है तो 60 से भाग करना है क्योंकि पावर इज इक्वल टू क्या होता है सर, कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगना है कैसे पता होगा। देखो ये समस्या स्टूडेंट के साथ रहती है, जब तक आप सवाल नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं रहेगा कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगना है। तो यानी कि देखिए क्वेश्चन में मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं तो आपको ये बिल्कुल ध्यान से रखना है कि अच्छा इस क्वेश्चन में इस टाइप का फॉर्मूला लगता है, नहीं तो आप सारे फॉर्मूला याद कर लोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। और एनडीए में न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें, न्यूमेरिकल का कंटेंट बहुत कम रहता है, लगभग 2-3-4 न्यूमेरिकल रहते हैं, वो भी आसान आसान वाले फॉर्मूले पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ। 9 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 वाला क्वेश्चन बड़ा मजेदार है और ये भी आपसे कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है, इफ अ लाइट सोर्स इज लीनियर, इफ अ लाइट सोर्स इज लीनियर देन द शेप ऑफ वेव फ्रंट, शेप ऑफ वेव फ्रंट, यदि एक प्रकाश स्रोत रेखिक है तो तरंगाग्र का आकार क्या होगा। मतलब लाइट सोर्स कैसा है, लीनियर है, ये लाइट सोर्स है, ठीक है, रेखीय प्रकाशीय स्रोत है, तो तरंगिकाएं कैसे निकलेंगी प्यारे बच्चों, तरंगिकाएं आपकी इस तरीके से निकलेंगी, हर संभव दिशाओं में निकलेंगी वेवलेट्स। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका कैसी शेप बनेगी जल्दी बताओ, ये शेप कौन सी नजर आ रही है तुम्हें, ठीक है, ये कैसा है, ये सर्कल है क्या है ये, अरे ये तो बेलन है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आपका, बेलनाकार, आंसर क्या आएगा आपका, बेलनाकार। मतलब अगर वेव फ्रंट की बात की जाए, ठीक है, तो यानी कि वेव फ्रंट यानी कि जो किस शेप में लाइट आगे बढ़ेगी, है ना, किस संरचना में प्रकाश आगे बढ़ेगा, तो आंसर क्या आएगा आपका, बेलनाकार, अगर स्रोत कैसा हो, रेखिक हो। भाई स्फेरिकल कब होता है, जब बिंदु स्रोत हो, वृत्ताकार कभी नहीं होता है, ट्राइंगुलर भी कभी नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर रेखिक स्रोत है तो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा यानी कि बेलनाकार होगा, ठीक है। तो इस सवाल का, सर्कल कब होता है, सर्कल नहीं होता कभी भी, सर्कल कभी नहीं होता है क्योंकि लाइट जो है चारों दिशाओं में जाती है। और सर्कल कैसा है, सर्कल तो एक 2D है, सर्कल क्या है, एक 2D है, 3D नहीं है, 3D कौन है, 3D गोला है, स्फेयर है। तो ये जो आपका बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, डी ऑप्शन है, वो पूरी तरह से गलत है, ये कभी हो ही नहीं सकता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 बताइए फटाफट, स्फेरिकल कब होता है, स्फेरिकल होता है जब बिंदु स्रोत हो, जब कैसा स्रोत हो, बिंदु स्रोत हो, यानी कि पॉइंट सोर्स हो जाएगा जब, ठीक है, तो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा ही मजेदार सवाल है और इस मजेदार सवाल को जरा एक बार करके दिखाओ सब लोग, मजेदार है तो एक बार करके दिखाओ, ठीक है। क्या सवाल बोला गया है,
ठीक है, सवाल देखिए क्या है, द सीलिंग ऑफ अ कंसर्ट हॉल, ठीक है, आर जर्नली कर्व, कह रहा है कि जो कंसर्ट हॉल होते हैं उनकी छत आमतौर पर घुमावदार होती है, जो ऑडिटोरियम्स होते हैं, प्यारे बच्चों जो ऑडिटोरियम्स होते हैं, ठीक है, ऑडिटोरियम में क्या होता है, ऑडिटोरियम की छतें इस तरह की होती हैं, ऑडिटोरियम जैसे कोई सिनेमा हॉल की हम बात करें या किसी थिएटर की हम बात करें, ठीक है, तो उनकी छतें जो थोड़ी सी जो है कर्व दिया जाता है इस तरीके से। तो कह रहा है कि भाई क्यों होता है ऐसा कि जो कंसर्ट हॉल होते हैं उनकी छत आमतौर पर घुमावदार क्यों होती है, ठीक है, तो क्यों होती है जल्दी से बताओ। पहला ऑप्शन है बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द साउंड टू द ऑडियंस, क्योंकि वे दर्शकों को ध्वनि वे दर्शकों को ध्वनि को परावर्तन कर करते हैं, बिकॉज दे कैन एब्जॉर्व नॉइज, क्योंकि वो शोर को अवशोषित कर लेते हैं, टू हैव बेटर एरिएशन इन हॉल, हॉल में बेहतर वातन के लिए, एज एनी साउंड फ्रॉम आउटसाइड कैन नॉट पास थ्रू द कर्व सीलिंग, क्योंकि बाहर से आने वाली कोई भी आवाज घुमावदार छत से नहीं गुजरती है। तो जल्दी से आंसर बताइए ऐसा क्यों होता है, ऑडिटोरियम की जो छतें होती हैं वो इस तरीके से घुमावदार क्यों होती हैं। देखो ऑडिटोरियम की छतें घुमावदार इसलिए होती हैं कि वो ताकि साउंड को क्या कर सके, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम क्या कर सके, रिफ्लेक्शन कर सके, ठीक है। तो आंसर आएगा बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द साउंड टू द ऑडियंस, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर छत जितनी ज्यादा मतलब अगर घुमावदार होगी तो वो टकरा के सीधा बिल्कुल आएगी, मतलब ऐसे घुमावदार कर दिया। फ्लैट में क्या होगा, फ्लैट में देखो अगर फ्लैट कर दोगे तो ऐसा हो सकता है कि पीछे वाले को ना सुनाई दे, लेकिन हमने घुमावदार कर दिया तो परावर्तन होके पीछे वाले को भी आराम से आसानी से सुनाई देगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का ए आंसर आएगा, ठीक है। चलो 11वें नंबर पे आओ, क्वेश्चन नंबर 11 बताना है सबको, ठीक है। 11 नंबर बड़ा मजेदार क्वेश्चन है तो जल्दी से करिए जरा, क्या क्वेश्चन आएगा, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन गलत है, गलत बताना आपको, गलत जोड़ा ढूंढिए फटाफट, गलत जोड़ा ढूंढिए। तो पहला जोड़ा क्या है, पहला जोड़ा किसका किसके साथ बना है, पहला जोड़ा बना है बैरोमीटर का प्रेशर के साथ, ये तो बात बिल्कुल सही है, बैरोमीटर का प्रेशर के साथ ये बिल्कुल सही है, लैक्टोमीटर का मिल्क के साथ ये भी सही है, क्योंकि अब दूध दूध जब आप डेयरी पे दूध ले जाते हो तो डेयरी वाला उसके अंदर लैक्टोमीटर डाल के देखता है कि भाई दूध में पानी तो नहीं है, दूध में मिलावट तो नहीं है, तो उसमें फैट चेक करता है, लैक्टोमीटर सही है। कूलम्स लॉ का चार्ज के साथ ये भी जोड़ा सही है, ह्यूमिडिटी का कैलोरी मीटर के साथ ये जोड़ा पूरी तरीके से गलत है भाई, ह्यूमिडिटी का, ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी का देखेंगे तो ह्यूमिडिटी किससे मापी जाती है, अगर हम ये मापी जाती है आपकी ये ह्यूमिडिफायर से, ठीक है, या ह्यूमिडियोमीटर कहते हैं इसको। और कैलोरी मीटर का काम क्या है, कैलोरी मीटर का काम है ऊष्मा का लेन देन मापना, तो ये बात पूरी तरह से गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, आपको बताना था कि कौन सा जोड़ा यहां पर गलत है, तो जोड़ा कौन सा गलत है, ठीक है, या हाइग्रोमीटर कह सकते हैं, बिल्कुल हाइग्रोमीटर कह सकते हैं, आद्रता मापी कहते हैं उसको हम लोग, हाइग्रोमीटर। तो गलत जवाब क्या है आपका, गलत जवाब है यहाँ पर डी, जोड़ा आपको बताना था ना, जोड़ा कि भाई गलत कौन सा जोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए, ठीक है, हाइग्रोमीटर बिल्कुल जवाब दे दिया है बच्चों ने कि हाइग्रोमीटर है, ठीक है। चलिए अगला अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आद्रता मापी हिंदी में कहते हैं, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, कह रहा है कि इट हैज बीन पोस्टुलेटेड दैट देयर मे बी सम पार्टिकल्स, देयर मे बी सम पार्टिकल मूविंग विद स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट, सच पार्टिकल्स आर नोन एज, यह प्रतिपादित किया गया है कि प्रकाश की गति से अधिक गति के साथ गतिमान कुछ कण हो सकते हैं, होते नहीं है, हो सकते हैं, ये देखिए संभावना है, इट हैज बीन पोस्टुलेटेड, ऐसा माना गया है, ठीक है। ऐसे कणों को किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछ रहा है, क्या उनको इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है, क्या उनको न्यूट्रॉन के नाम से जाना जाता है, या न्यूक्लियॉन्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, या फिर अगला है आपका ट्रेचियॉन, या ट्रेचियॉन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जल्दी से बताओ, ठीक है भाई। देखो कोई भी अब तक ऐसा पार्टिकल वैज्ञानिकों को नहीं मिला है, ठीक है, कोई भी ऐसा पार्टिकल वैज्ञानिकों को नहीं मिला है जो स्पीड ऑफ लाइट से फास्ट ट्रेवल करे, ठीक
ठीक है। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कौन करते हैं? फोटोन करते हैं। लेकिन अब कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा फास्ट ट्रेवल करे, तो ऐसा अब तक कोई पार्टिकल नहीं मिला है, बस एक संभावना है, और उस संभावना का नाम क्या है? ट्रेचियोन। नाम याद रखिएगा, क्या नाम है उनका? ट्रेचियोन। सिर्फ ये कल्पना है, क्या है? ये सिर्फ कल्पना है, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है बच्चों, याद रखिएगा, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि अब तक हमें ऐसा पार्टिकल ना मिला है। ठीक है, हो सकता है मिल जाए, तो उसका नाम पहले ही हमने रख दिया। क्या नाम रख दिया? ट्रेचियोन। क्लियर हो गया? चलो, जैसे मान लो तुम सोच रहे हो कि मैं एक गाड़ी लूंगा, ठीक है, लूंगा, अभी ले ली नहीं है, तो आप आपके दिमाग में उस गाड़ी का एक नाम है, ठीक है, तो उसी तरीके से एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल जो लाइट से भी फास्ट चलेगा, उसका नाम अभी रख दिया हमने, क्या नाम है उसका? ट्रेचियोन। चलिए जल्दी से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या बोला है। 13 में आपसे कहा गया है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, इफ द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन एज एम टू द पावर ए, यहां पर सही कर लीजिएगा, ये ए, ये बी है और ये सी है, ये ए ए दो बार छप गया है, ये बी है बेटा, ठीक है। कह रहा है कि यदि भौतिक राशि की विमा एम टू द पावर ए, एल टू द पावर बी और टी टू द पावर सी दी गई है, तो भौतिक राशि क्या होगी? ठीक है, तो अब कह रहा है कि वेलोसिटी होगा अगर ए वन हो, बी जीरो हो, सी वन माइनस वन हो। भाई वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है एम जीरो एल टी माइनस वन। तो देखना जरा, ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू जीरो, गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये ऑप्शन नहीं है। अब है एक्सेलरेशन, भाई त्वरण में क्या होता है? त्वरण होता है एम जीरो एल टी माइनस टू। तो देखिए ए की वैल्यू कितनी है? वन, गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि यहां पर तो ए की वैल्यू कितनी है? जीरो है। आगे बोला है फोर्स, फोर्स के लिए क्या होता है? फोर्स होता है एम एल टी माइनस टू, यानी कि एम ए, ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? वन, और बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? वन, ये गलत है, यहां पर ये भी गलत हो गया। अगला है प्रेशर, प्रेशर होता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है, तो ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू माइनस वन और सी की वैल्यू माइनस टू, ये बात बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका? डी आ जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका? डी आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत प्यारा सवाल था, सिर्फ आपको ये पावर बतानी थी किसकी पावर सही है, और उसके हिसाब से आपको टिक करना था यहाँ पर, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा मजेदार सवाल। क्वेश्चन नंबर 14 में ये कहा गया, क्या कहा गया? चित्र आपको दिए हुआ है, इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर, कह रहा है कि जो अरेंजमेंट फिगर दिखाया गया है, द स्ट्रिंग आर लाइट, मतलब रस्सी बहुत हल्की है, इन एक्सटेंसिबल, यानी कि वो जो है तन्य नहीं है, भारहीन है, द सरफेस ओवर विच ब्लॉक आर प्लेस इज स्मूथ, और घर्षण भी नहीं है क्योंकि सतह कैसी है? चिकनी है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, तो हर एक जो है ब्लॉक का आपको क्या बताना है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब है आपको बताना है त्वरण, ठीक है। तो ये सवाल है, जल्दी से आंसर बताइए, क्या आंसर आने वाला है इसका? तो देखिए सर, यहां पर अगर आप देखें तो कॉन्सेप्ट बता देते हैं पहले आपको, कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का, कॉन्सेप्ट क्या है सर इस क्वेश्चन का? कॉन्सेप्ट यह है कि अगर ब्लॉक को एक साथ जोड़ा गया हो, ब्लॉक को अगर एक साथ जोड़ा गया हो, तो उन सबका जो त्वरण है वो क्या होता है? एक जैसा होगा। बस यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ठीक है, फॉर्मूला देखिए कौन सा लगेगा, ए बराबर एफ कितना है आपका? 28 न्यूटन है। एफ कितना है आपका? 28 न्यूटन है, और बटे कर दीजिए टोटल मास से, तो ये हो जाएगा 4 और 2 6 और 1 7, ठीक है। तो 7 चौके कितना होगा? 28, 4 आंसर आ जाएगा। 4 कहां पर है? ये रहा भाई, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लीजिए। बड़ा मजेदार क्वेश्चन था, छोटा भी था, छोटा भी था और मजेदार भी था। बस करना क्या था, क्योंकि तीनों ब्लॉक को आपने एक साथ जोड़ा हुआ है एक ही रस्सी से, मतलब सॉरी अलग अलग रस्सी से। अब याद रखिएगा, अगर ब्लॉक एक साथ जुड़े हुए हो तो टोटल फोर्स को आप डिवाइड कर दीजिए टोटल मास से, तो 4 और 2 6 और 1 7, तो 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौके 28, 4 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलो चलिए आगे चलते हैं।
लटका दिया जाता तो क्या होता? देखिए अगर लटका देते तो अगर नीचे जा रहा है तो एम जी माइनस ए, ऊपर जा रहा है तो एम जी प्लस ए, ठीक है, वो लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाओ जल्दी से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पर आओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? ठीक है चलो भाई चलो, देखो भाई टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करो, पेपर पेपर आ रहा है आपका, बहुत नजदीक है पेपर, तो इसलिए जो है फटाफट बाकी सब बातों पे ध्यान ना देकर आप जो है सवाल पर ध्यान देंगे। और सवाल क्या है आइए समझते हैं हम लोग। क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? इसका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं एक बार जो है कॉन्सेप्ट की, नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव के बीच में क्या अंतर होता है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल असंरक्षी बल है? तो असंरक्षी बल होता है जिनके लिए कार्य पथ पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर करता है, ठीक है। तो जल्दी से मुझे ढूंढ के बताओ कौन है इसमें नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव जितने भी, मैंने आपको बताया था जितने भी विरोधी बल होते हैं, जितने भी विरोधी बल होते हैं यानी कि जितने भी अपोजिंग फोर्स होते हैं, कौन से फोर्स होते हैं? अपोजिंग फोर्स होते हैं, वो सारे किस पर होते हैं? वो सारे के सारे क्या होते हैं? नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। तो आंसर क्या आएगा आपका? डी यानी कि श्यान बल। आंसर क्या आएगा आपका? डी यानी कि श्यान बल। चलो नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर पर आ जाओ। 16 नंबर में देखिए बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और आसान भी है, आसानी से आप इसको कर सकते हो, बड़ा ही बच्चा क्वेश्चन है क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला यहां पर छोटा सा लगेगा। क्या है सवाल? एफ बराबर 10 न्यूटन, एफ बराबर 10 न्यूटन की क्रिया के तहत कोई वस्तु 10 मीटर की दूरी s बराबर 10 मीटर तय करती है यदि किया गया कार्य 25 जूल हो, w बराबर 25। तो कह रहा है कि गति की दिशा के साथ कोण कितना बनेगा, यानी कि आपको बताना है एंगल विच मेक्स द एंगल विच द फोर्स मेक विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि आपको थीटा बताना है, थीटा कितना होगा, क्या फॉर्मूला लगाओगे? W बराबर क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा। तो W की वैल्यू कितनी हो गई? 25, ठीक है। F कितना है आपका? F आपका 10 हो गया, ठीक है। S कितना है आपका? S आपका ये भी 10 हो गया, ये भी आपका 10 हो गया, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना? कॉस थीटा। तो यानी कि इसको नीचे ले जाओ, ठीक है, तो 25, यहां ध्यान दो, 25 और बटे कितना हो जाएगा आपका? 100, और ये होगा कॉस थीटा, तो 25 चौके 100, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? कॉस इनवर्स 1/4। अब 1/4 तो मुझे पता नहीं कितना होता है, 0 वाला भी नहीं, 30 वाला भी नहीं, 60 वाला भी नहीं। तो आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दी अबाउट, डी ऑप्शन आ जाएगा, नन ऑफ दी अबाउट, ठीक है। अच्छा निकाल लिया, 96 पे आ रहा है, 96 पे कैसे आ जाएगा? 0 और 90 के बीच में आएगा ना, 0 और 90 के बीच में आप निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। हालांकि ऐसा कोई एंगल नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में जिस एंगल से आपको प्रॉब्लम हो, देखो ये क्वेश्चन भी था, तो इसका आंसर कितना है? नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 देखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 17, 17 देखिए, 17 में मजा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। बोला गया है अ गन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज ऑफ दिस गन इज पुश्ड बैक विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड द मास ऑफ द गन। कह रहे कि एक बंदूक 30 ग्राम प्रति सेकेंड के वेग से, ठीक है, नहीं नहीं यहां मीटर आएगा, सॉरी ये मीटर है, ग्राम नहीं है, सही कर लेना, ये मीटर है, ये मीटर है, ठीक है। एक बंदूक 30 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 50 ग्राम की एक गोली निकालती है, मतलब फायर किया जाता है। इस वजह से बंदूक को 1 मीटर प्रति सेकेंड के वेग के साथ पीछे धकेल दिया जाता है, तो बंदूक का द्रव्यमान कितना होगा? फॉर्मूला याद रखो मेरे साथ, फॉर्मूला याद रखो, जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा, ध्यान से समझो, जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो क्या फॉर्मूला लगाना है? वी डैश बराबर स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इंटू वी, ठीक है। ये है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। वी डैश क्या है? वो वेलोसिटी जिससे उसको धकेला, तो धकेला किससे भाई? 1 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। ऊपर क्या है? स्मॉल एम क्या आएगा? ग्राम में आएगा,
मतलब जो मास है किसका, गोली का। अब गोली कितना है आपका 50 ग्राम, तो ये हो जाएगा आपका 50/1000, और बटे में कौन है आपका कैपिटल एम, ठीक है। और गोली कितने रफ्तार से निकली, गोली निकली आपकी 30 की रफ्तार से। गोली कितने रफ्तार से निकली भाई, 30 की रफ्तार से, गुणा गया ऊपर 30, तो कैपिटल एम को क्रॉस कर दो, तो कैपिटल एम इज इक्वल टू हो जाएगा 50 गुणा गया 30 और बटे गया आपका 1000। तो एक जीरो से एक जीरो कटी, एक जीरो से एक जीरो कटी, 5 3 15, 15/10, 15/10 का मतलब है 1.5 किलो की बंदूक है, 1.5 kg आ गया। क्वेश्चन क्या आएगा, 1.5 kg आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है आपका, सी आंसर आ रहा है, क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है आपका, सी आ गया। तो ये बात आप याद रखेंगे, 1.5 kg आपका करेक्ट आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। 18 में भी जो है थोड़ा सा कंजर्वेशन और मोमेंटम ही लगाना पड़ेगा, यानी कि संवेग संरक्षण का नियम ही यहां पर लगेगा। 18 में बोला है, अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज मूविंग विद वेलोसिटी वी कोलाइड्स अ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास 2m आफ्टर कोलिजन द स्पीड ऑफ कंबाइंड पार्टिकल इज, कह रहा है कि द्रव्यमान m का एक कण वेग v के साथ घूमते हुए 2m के स्थिर कण से टकराता है, टक्कर के बाद संयुक्त कणों की गति क्या होगी, मतलब जो कंबाइंड सिस्टम बना है, जो संयुक्त सिस्टम बना है उसकी गति आपसे पूछी जा रही है कितनी होगी। डायग्राम देखिए सबसे पहले भाई, सबसे पहले डायग्राम देखिए, स्मॉल m था, ठीक है, ये v वेलोसिटी से जा रहा था, और ये 2m अभी क्या है, ये आपका रेस्ट में है, अभी ये विराम अवस्था में है, यानी कि रेस्ट में है। चलो मार्कर चेंज कर देते हैं। अब टक्कर के बाद क्या हुआ, टक्कर के बाद m और 2m, टक्कर के बाद m और 2m एक वेलोसिटी से जाने लगे, मान लो वो v डैश है, मान लो वो क्या है, v डैश। अब आपको क्या करना है, कंजर्वेशन और मोमेंटम लगा देना है फटाक से। तो पहले मोमेंटम कितना है, पहले मोमेंटम है एम वी, और इसका मोमेंटम कितना है, इसका मोमेंटम है जीरो, ठीक है, बराबर। देखिए अब यहां टोटल मास कितना हुआ, 2m प्लस m कितना हो गया 3m, और इंटू कर दीजिए v डैश से, तो यानी कि ये हो जाएगा एम वी इज इक्वल टू 2mv डैश, ठीक है, ओ सॉरी 3 आएगा यहां पर, 3 3 3, सॉरी सॉरी, 2 और 1 3 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3mv डैश, तो ये हो जाएगा आपका 3mv डैश, तो v m से m काट दीजिए, सो v डैश की वैल्यू क्या आएगी, v बटे 3। v डैश की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, जल्दी से बताइए, v डैश की वैल्यू आ रही है v बटे 3, तो सी ऑप्शन मैच कर गया आपका, क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका सी, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपका, सी आंसर आ गया। जल्दी से मुझे बताओ क्या ये सवाल आपको समझ में आया, ठीक है, ये सवाल दिमाग में बैठ गया ना, हाँ ये सवाल दिमाग में बैठना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन, स्क्रीन बैकग्राउंड चेंज कर दीजिए बेटा, स्क्रीन बैकग्राउंड तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये तो आपकी फाइल है, तो इसमें एक बार कलर सेट हो गया, डेली मैं इसी कलर पे तो पढ़ा रहा हूँ, वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है इस कलर से, ठीक है। देखिए बेटे सिंपल था कि भाई टकराने से पहले क्या था, टकराने से पहले आपका जो मोमेंटम था वो होगा m इंटू वी हो जाएगा, टकराने से पहले, क्योंकि ये वाला विराम है, ये वाला क्या है आपका विराम है, ठीक है। तो कुल संवेग कितना हुआ, इस वाले का मोमेंटम हो गया mv, और इस वाले का मोमेंटम कितना हो गया जीरो, ठीक है। नीचे देखो 2m प्लस m कितना हो जाएगा 3m, और हमें नहीं पता ये किस वेग से जा रहा है, तो v डैश ले लिया इंटू v डैश, तो बस कुछ मत करो, इसको दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, क्लियर हो गया, मैंने रिपीट कर दिया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मजेदार सवाल है, ठीक है, और अच्छे से इसको करना है, ठीक है, अच्छे से करना है। कह रहा है, हाउ मच वाटर अ पंप ऑफ 2 kW कैन रेज इन 1 मिनट टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, कह रहा है कि 2 kW का एक पंप 1 मिनट में 10 मीटर की ऊंचाई तक कितना पानी बढ़ा सकता है, मतलब यह चढ़ा सकता है, और कह रहा है कि जी को आप क्या लेंगे, 10 लेंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, पावर आपको कितना दिया हुआ है यहां पर, P बराबर क्या होता है, P बराबर W बटे T होता है, ठीक है। P कितना दिया हुआ है, 2 kW, तो ये हो गया 2000, ठीक है। W कितना है आपका, W का मतलब है वर्क डन, तो W होगा mgh, क्योंकि पंप क्या कर रहा है, पानी को ऊपर भेज रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका mgh। और टाइम कितना लिया उसने, टाइम कह रहा है कि भाई 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड का टाइम है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
तो ये हो जाएगा 2000 गुणा गया 60, m हमें पता नहीं है, g लेना है 10, और हाइट भी कितनी है, हाइट भी आपकी कितनी है 10 मीटर है, हाइट भी कितनी है आपकी, ठीक है 10 मीटर है, 10 मीटर हाइट है, तो 10 हो गया, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, तो 6 दूनी कितना हो गया 12, और ये 2 0 चल रहा है, 1200 किलो, ठीक है 1200 किलो। अब 1 किलो पानी लगभग 1 लीटर के बराबर होता है, 1 किलो पानी लगभग 1 लीटर के बराबर होता है, तो यानी कि कितना लीटर आ रहा है आपका 1200, ठीक है जीरो तो गलत नहीं हुई यहां पर, जीरो एक बार चेक कर लो, मुझे लग रहा है ऑप्शन में ही कुछ पंगा चल रहा है, चलो चेक कर लो एक बार, 2 किलोवाट था तो 2000 आया, ठीक है ठीक है। नीचे आ गया आपका 60, यहां पर जी कितना ले लिया 10, एच बी कितना ले लिया 10, तो ये इधर गया, ठीक है तो 1 0 ये कटी, 1 0 ये कटी, तो ये ही आएगा आंसर, यहाँ ये जीरो एक्स्ट्रा लगी है, ये जीरो एक्स्ट्रा लगी हुई है यहाँ पर, तो ये जीरो एक्स्ट्रा है, तो आंसर क्या आएगा आपका 1200 लीटर आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका 1200 लीटर आ जाएगा, ठीक है। हाँ ये वाली जीरो यहाँ पर एक्स्ट्रा थी, ठीक है वो प्रिंटिंग एरर है, उसको आप सही कर लीजिएगा, तो आंसर कितना आएगा आपका 1200 किलो आ जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि अ डाइवर इन स्विमिंग पूल, ठीक है अ डाइवर इन स्विमिंग पूल, अ डाइवर इन अ स्विमिंग पूल बेंड्स हिज हेड बिफोर, ठीक है स्विमिंग पूल में एक गोताखोर अपने सिर को पहले झुकाता है, भाई आपने देखा हो ओलंपिक वगैरह में जब वो स्विमर कूदता है तो इस तरह से अपनी बॉडी का शेप ले लेता है, ठीक है हाँ ना, इस तरह से अपनी बॉडी का शेप ले लेता है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई जो स्विमर होता है वो डाइव करने से पहले अपने अपने सर को ऐसे क्यों कर देता है, तो क्या है आंसर, पहले कह रहा है इंक्रीज लीनियर वेलोसिटी, उसके रैखिक वेग को बढ़ाने के लिए, डिक्रीज हिज एंगुलर वेलोसिटी, उसके कोणीय वेग को कम करने के लिए, इंक्रीज हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण को बढ़ाने के लिए, और डिक्रीज हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण को घटाने के लिए, जल्दी से बताइए क्या ऑप्शन आने वाला है, ठीक है लीनियर वेलोसिटी कहां से, देखो जब वो स्विमर कूदेगा तो आपने ओलंपिक वगैरह तो टीवी में देखा होगा, ठीक है इस तरीके से घूम घूम के वो जाता है, ठीक है अब वो तेजी से वहां क्यों घूम पा रहा है, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आई ओमेगा क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, यानी कि अगर आई कम होगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा, जड़त्व आघूर्ण अगर कम होगा तो उसका कोणीय वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो वो इसलिए करता है कि अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या कर सके, कम कर सके, तभी वो इस तरह से जो है डाइव मार पाएगा, ठीक है तो आंसर देखिए क्या मिल रहा है, डी आंसर मिल रहा है आपको, सभी लोग इस क्वेश्चन में फंस गए, ठीक है अगर क्वेश्चन आता कि कोई भी लंबी लंबी कूद का खिलाड़ी, ठीक है या ऊंची कूद का खिलाड़ी भागने से पहले मतलब कूद मारने से पहले भागता क्यों है, तब आपका आंसर ये आता है कि वो अपना लीनियर वेलोसिटी बढ़ाने के लिए, मोमेंटम को बढ़ाने के लिए, लेकिन उसने पूछा कि स्विमिंग पूल में जब वो कूदता है ना तो वो ऐसा क्यों करता है, अपनी बॉडी को वो सिकोड़ लेता है, सिकोड़ लेने से क्या होगा आई कम हो जाएगा, और आई के कम होने से ओमेगा बढ़ जाएगा, इसीलिए वो जो है राउंड राउंड घूम सकता है, ठीक है चलिए आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, 21वां सवाल देखिए क्या बोला गया, मजेदार सवाल है, आंसर देंगे आप इस क्वेश्चन का, क्या बोला गया है क्वेश्चन में, बोला गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट एनी डायमीटर इज, कह रहा कि किसी भी व्यास के परितः द्रव्यमान m और त्रिज्या r के पतले वृत्ताकार डिस्क की का जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, डिस्क का पूछा, डिस्क का ये देखो ये डिस्क हो गया, ठीक है ये डिस्क का चकती का जड़त्व आघूर्ण, ठीक है याद रखो कितना होता है हाफ एम आर स्क्वायर होता है, क्या आंसर आएगा इसका हाफ एम आर स्क्वायर, कहां पर है ये रहा सी ऑप्शन आ जाएगा, रिंग होती अगर अगर छल्ला होता तो एम आर स्क्वायर आ जाता, ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाओ, 22 वाला क्या कह रहा है,
22 में कह रहा है कि अ सैटेलाइट रिवॉल्व वेरी नियर टू द अर्थ सरफेस, इट्स स्पीड शुड बी अराउंड, कह रहा है कि एक उपग्रह पृथ्वी की सतह के बहुत करीब घूमता है, तो कह रहा है कि इसकी गति लगभग कितनी होती है, जल्दी से बताइए लगभग लगभग कितनी होती है भाई, पृथ्वी के करीब घूम रहा है ना भाई, क्या कर रहा है, पृथ्वी के करीब घूम रहा है, तो कह रहा है कि भाई उसकी नियरली कितना होगा, नियरली पूछा आपसे, लगभग कितना आंसर आएगा, तो लगभग होता है आपका 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, याद रखिएगा लगभग कितना होता है आपका 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, द इनसाइड ऑफ अ कैथोड रे ट्यूब इज कोटेड विद व्हाट मटेरियल, कैथोड रे ट्यूब के अंदर किस सामग्री से लेप किया जाता है। देखो भाई कैथोड रे ट्यूब में क्या होता है, इस तरह से एक स्क्रीन होती है और इस स्क्रीन पर जब इलेक्ट्रॉन टकराता है तो यहां पर एक धब्बा बनता है, ये धब्बा तभी बनेगा जब आप इस पर किसी विशेष पदार्थ का लेप चढ़ाओगे, तो वो विशेष पदार्थ क्या है, वो विशेष पदार्थ को हम कहते हैं जिंक सल्फाइड होता है वैसे तो, और जिंक सल्फाइड को हम कहते हैं फ्लोरोसेंट, क्या कहते हैं हम लोग, फ्लोरोसेंट पाउडर, कौन सा पाउडर, फ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंट उसे कहते हैं जब टकराएगा, टकराने पे चमक पैदा होगी, तो आंसर क्या आएगा आपका 11.2 एस्केप है, हाँ बिल्कुल 11.2 एस्केप है, आप कुछ बताने वाले थे, हाँ मैं बताऊंगा आपको, ठीक है आप कुछ बताने वाले थे, बिल्कुल बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर आओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 24 पर बताओ, कह रहा है कि विच कंट्री हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, किस देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की अधिकतम संख्या है, तो ये तो आपका जीएस का क्वेश्चन भी हो गया, तो सबसे ज्यादा जो है न्यूक्लियर जो पावर प्लांट है वो कहां पर है, यूएसए के अंदर है, याद रखिएगा, उसके बाद कहां पर है, उसके बाद जो है फ्रांस में है, ठीक है, फिर जापान में है और इंडिया में अभी उतना ज्यादा नहीं है, तो याद रखिएगा। चलो भाई लगभग 52 और 55 के बीच में है कोई संख्या, कह रहा है कि इन प्रोजेक्टर, कह रहा है कि जो प्रोजेक्टर होते हैं कह रहा है कि इन प्रोजेक्टर्स विच लेंसेज आर यूज्ड, प्रोजेक्टर में कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, तो प्रोजेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस, प्रोजेक्टर में कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि हमें पर्दे पर क्या करना होता है, प्रतिबिंब को प्राप्त करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ए हो गया, 26 बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि दो लेंस हैं, क्या कह रहा है, टू लेंस ऑफ पावर 5 डायोप्टर और एक्स डायोप्टर आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज -2 डायोप्टर, द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू बताइए, कह रहा है कि जब पांच वाले को, जब +5 डायोप्टर को एक्स डायोप्टर के साथ रखा जाता है, +5 डायोप्टर को एक्स डायोप्टर के दो लेंस संपर्क में जब होते हैं तो संयोजन की शक्ति -2 डायोप्टर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पांच, क्या फॉर्मूला होता है, पी इज इक्वल टू होता है P1 + P2, ठीक है, तो यानी कि पांच ये हो गया, सॉरी टोटल कितना है, माइनस का दो आया ना, ठीक है, और पहले वाला कितना है, पांच है, फिर प्लस का एक्स हो गया, इसको उधर लाओ, माइनस का दो, माइनस का पांच एक्स, माइनस का 7 डायोप्टर होगा, कितना होगा, माइनस का 7 डायोप्टर होगा, ठीक है। 27 नंबर पे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 27, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज इन स्टरलाइजेशन ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, किस प्रकार, देखो ध्यान से समझो, किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग चिकित्सा उपकरणों के विसंक्रमण में किया जाता है, ठीक है, तो कौन सी ऐसी वेव है जिनका इस्तेमाल, जैसे डॉक्टर होते हैं तो जो उनके ऑपरेशन के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके बाद वो क्या करते हैं, जब एक बार ऑपरेशन कर दिया तो उसको वापस से स्टरलाइज किया जाएगा, तो कौन सी वेव से स्टरलाइज किया जाता है, जल्दी से बताइए, अरे बी कहां से आ जाएगा, एक्सरे से थोड़ी ना करते हैं, एक्सरे से नहीं करते, आंसर क्या आएगा आपका, माइक्रोवेव, आंसर क्या आएगा आपका, माइक्रोवेव, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 28, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ठीक है, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ठीक है, जो गॉस की थ्योरम है, ठीक है, चुंबकत्व में वो क्या कहती है, चुंबकत्व में गॉस के नियम के अनुसार क्या होता है, अब देखो चुंबकत्व में गॉस का नियम ये कहता है कि भाई कोई भी अगर सतह होगी तो
तो उसमें जितना चुंबकीय फ्लक्स आएगा उतना ही चुंबकीय फ्लक्स बाहर हो जाएगा, यानी कि टोटल चुंबकीय फ्लक्स कितना होता है, सदैव शून्य होता है। तो क्या आंसर आएगा ध्यान से समझिए, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, ठीक है, इज मे और मे नॉट बी जीरो, नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू, ये आएगा सी, क्या आएगा, एक बंद सतह के माध्यम से चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है, सदैव क्या होता है, शून्य होता है, याद रखिएगा, यह है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। और पहला गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट क्या है, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट है आपका क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, फाइ इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यह है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर हो रहा है, 28 वाला हो गया, चलो 29 वाला करके दिखाओ जरा, 29 29 वाला करके दिखाओ, 29 में क्या बोला है, 29 में बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर, ये तो सही है, ये सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट, ये भी सही है, ठीक है, अगला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये बात बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, फाइ इज इक्वल टू क्या होता है, फाइ इज इक्वल टू होता है ई ए कॉस थीटा, ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, सी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ आपका, सी, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। चलो क्वेश्चन नंबर 30, अच्छा 29 और ये, अच्छा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, 31 कर लो, चलो, द फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड थ्रू द मेटल रॉड, ठीक है, क्या कह रहा है कि धातु की छड़ के माध्यम से, धातु की छड़ के माध्यम से, ठीक है, ऊष्मा जो प्रवाहित हो रही है, ठीक है, वो किस किस के अनुपातिक होती है, सो क्यू बाई, देखो ध्यान से समझो, क्यू इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, क्यू बाई टी इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपॉन एक्स, यहाँ के क्या है, चालकता, ए क्या है, क्षेत्रफल, डेल्टा टी क्या है, तापमान अंतर, एक्स क्या है, छड़ की लंबाई, और टी क्या है, समय। तो देखो द टाइम ऑफ फ्लो ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी कि डेल्टा टी अपॉन एक्स, ये भी ठीक है, तो आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सारे के सारे जितने भी हैं वो सबके सब क्या है, ठीक पाए गए। तो 32 आपका जो है 32 हो गया, 33 34 और 35, चार क्वेश्चन आपके छोड़ के जा रहा हूं, चार क्वेश्चन के होमवर्क दे दिया है, ये फाइल आपको अभी मिल रही है, इसको आप लगा लीजिएगा और टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है, और रिवीजन करते रहिए, और जितना अच्छा रिवीजन होगा उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा, ये ध्यान रखना, ज्यादा पढ़ने से फायदा नहीं है, ज्यादा रिवीजन करने से फायदा होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।